रोड पर तो एगो मूर्ति लगा के प्रधानमंत्री के जोड़े कहीं कहीं चौक पर एगो फोटो लगा दिए हैं, बैठने वाला बना दिए हैं। कांग्रेस 70 साल जो राज किया, कितना हम लोग का पीछे लेकर चला गया हुआ है। गठबंधन के सरकार बनता है, 2 महीना में इधर जाता है, 2 महीना में उधर जाता है, 3 महीना में उधर जाता है। ये एमरी 560 में है ना, 450 लाएगा। जब हम जीता के भेजी तो उनका चेहरा तक नहीं देखा, दोनों पैसे वाला है, दोनों रोबई है, लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी है, परंतु देखेंगे कौन आगे भाग रहा उसी के वोट करेंगे। मुन्ना शुक्ला को राजद उम्मीदवार दिए हैं, बहुत अच्छा उम्मीदवार है। इस बार माहौल वैशाली का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इस बार मुन्ना शुक्ला आपको तो 2.5 से 3 लाख में आगे रहेंगे। क्या किए किसान के लिए, क्या क्या कहे थे, 2 गुना आए देंगे किसान के लिए, क्या सोचे? देखिए, हमको नीचे से मतलब नहीं, हमको ऊपर से मतलब है। नीचे कुछ हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमको ऊपर से भी मतलब है। कहाँ ऊपर में? मोदी जी के। अच्छा, हाँ करेगा एकदम 400 पार करेगा, एकदम हर हाल में करेगा। बीजेपी रहेंगे, बीजेपी लिख लेंगे। लगातार कैंपेन हो रहा है, टाइम बुता जाएगा उनको, बुझ जाएगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के बाद से काफी सियासी पारा जो है काफी हाई हो गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव वैशाली काफी हॉट सीट माना जा रहा है। वही एक तरफ जो है एलजीपी से बीना देवी को टिकट दिया गया है, वही दूसरी तरफ जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस से जो है मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उन लोगों से भी बात करने के लिए हम अभी पहुंचे हैं। लगातार आपको ग्राउंड से हर पल की अपडेट जो है दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग हैं, चाय की दुकान पे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हासिम। अच्छा, क्या कहेंगे, इस बार चुनाव नज़दीक है, कितना विकास हुआ आपका मीनापुर क्षेत्र का वैशाली सांसद? कुछ न हुआ, पहले के अभी जितने सांसद थे इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ, अब बदलाव चाहते हैं। इस बार क्या लग रहा है, इस बार दो लोग जो है, एक तरफ एलजीपी से बीना देवी है और एक तरफ मुन्ना शुक्ला है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मुन्ना शुक्ला कहना चाहिए, बदलाव चाहिए, मुन्ना शुक्ला कहना चाहिए। उन पे उम्मीद है आप? हाँ उम्मीद है। बीना जी पर क्यों नहीं उम्मीद है? नहीं, काम कुछ नहीं करते हैं, 5 साल से कुछ नहीं, कभी हम लोग तो देखो नहीं किए हैं बीना देवी के यहाँ, कभी नहीं देखे हैं यहाँ। बोला जा रहा है कि लगातार वो विकास गिना रहे हैं सभी जगहों पर। कुछ विकास नहीं है, रोड पर तो एगो मूर्ति लगा के प्रधानमंत्री के जोड़े कहीं कहीं चौक पर एगो फोटो लगा दिए हैं, बैठने वाला बना दिए हैं, दूसरा कुछो कहाँ हम लोग देख रहे हैं, कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं उसका। तो इस बार बदलाव होगा? हाँ बदलाव चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर बाबा है, चाय वो पी रहे थे यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कैलाश सहनी। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव नजदीक आ गया, बीना जी के द्वारा कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, बीना जी को तो आज तक हम पहचाने नहीं, वो कैसा उनका चेहरा है और क्या है सुनते हैं से, वो हमारे सांसद है, लेकिन सांसद होते हुए कभी मुलाकात भी नहीं हुए, और हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, हम लोग का विकास चाहिए, धन दौलत तो कमाएंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, हमारे विकास चाहिए। दूसरी बात, हमारा अत्यंत पिछला वर्ग है, जात का मलाह है, हमको आरक्षण चाहिए, जो उसका सरकार बने, जहाँ सब समाज जाएंगे वहाँ हम भी पहुँचेंगे और वोट करेंगे, और जो हमारे धोखा देगा उसका हम भी धोखा देंगे, इसलिए कि जब हम जीता के भेजे तो उनका चेहरा तक नहीं देखा, तो आज क्या देखेंगे, जो नया आवेगा उनको कैसा क्या होगा, तब हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी के काम से संतुष्ट है कि नहीं बाबा? देखिए, मोदी जी काम तो बहुत अच्छा किए हैं, परंतु रह गया ना हमारे जाति के मोदी जी देखा, नहीं हमारे जाति का कोई अन्य पार्टी देखा। जो आरक्षण हमारा मुकेश जी मांग रहे हैं, वह मुकेश जी का आरक्षण मिलेगा तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करिएगा? हाँ बहिष्कार करेंगे। आरक्षण दे दिया तो ठीक है, आरक्षण नहीं देने के बाद में बहिष्कार करेंगे। हम भी उप सरपंच हैं यहाँ का, रघई का। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या इस बार वैशाली से दो दिग्गज नेता जो है यहाँ पे खड़ा है, बीना देवी है एक तरफ, मुन्ना शुक्ला, किनके साथ रहेगा आप लोग? अभी दोनों में किसी के ना, हमारा समाज जैसा होगा ना, क्षेत्रीय समाज, वो जहाँ जाएंगे टक्कर में रहेंगे कि नहीं? मुन्ना शुक्ला
टक्कर में तो दोनों पट पट है, दोनों मत वाला है, दोनों पैसे वाला है, दोनों रोबल है, लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी है, परंतु देखेंगे कौन आगे भाग रहा उसी के वोट करेंगे। राजद अच्छा कैंडिडेट दिया है कि ना? राजद तो बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, और जिस समय में चक्कर छाप लालू भाई का था ना, उस समय से हम लोग वोट उनका करते चले जाते हैं। अगर हम लोग का वो मान सम्मान दिया तो उनको हम लोग 2400 घंटा हाजिर है चरण में उनका। चलिए यहाँ पर और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस बार जो है मीनापुर में कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? मीनापुर में तो 0 विकास है, और लड़का एगो सही गए हैं, किसी ब्लॉक पर किसी चौक पर एगो हल्का फुल्का सेट बना दिया गया है ना, वो जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ नहीं। ब्लॉक में तो ऐसी 100-200 आदमी रहता है, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन जैसे ही चौक है हनुमान मंदिर रवई घाट चौक है, यहाँ कोई सेट नहीं है, तो विकास 5 साल में बिना देवी के द्वारा 0 पॉइंट पर आउट है। विकास का कहीं से कोई नाम निशान नहीं है, कहीं भी उनका वोट नहीं है कि विकास किया गया, उनका एगो वोट लगाया जाए। और रह गई बात वैशाली लोकसभा चुनाव में से मुन्ना शुक्ला को राजद उम्मीदवार दिए हैं, बहुत अच्छा उम्मीदवार है, और गरीबों को मसीहा है, हर गरीब उनके दरवाजा पर जाते हैं तो मान सम्मान मिलता है, इससे खुशी की क्या बात है। लेकिन बीच में तो 17 साल बीजेपी और जदयू का गठबंधन के सरकार रहा है, डबल इंजन के सरकार रहा है, तो उस समय फिर आरक्षण देने से क्यों कतरा है? माहौल क्या रहेगा इस बार? माहौल वैशाली का माहौल बहुत अच्छा रहेगा इस बार, मुन्ना शुक्ला आपको तो 2.5 से 3 लाख में आगे रहेंगे, और जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मुकेश जी को गठबंधन में आने से 100% मला आपको मुन्ना शुक्ला जी के पास है, और महागठबंधन के साथ है, सहनी कहीं नहीं एको भागेगा। क्या 5 किलो राशन दे करके 4 गुना आप जनता से सुन रहे, खून चूस रहे हैं आप, जनता क्या खुशहाल है, जो 300 मजदूरी करता था उसको 100 रुपया पॉकेट में रहता था, आज 500 मजदूरी करता उसको 1 रुपया नहीं बचता था, कारण है कि महंगाई है। देखिए हमको नीचे से मतलब नहीं, हमको ऊपर से मतलब है, नीचे कुछ हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमको ऊपर से भी मतलब है। कहाँ ऊपर में? मोदी जी के। अच्छा। हाँ। कितना विकास हुआ मीनापुर में? बहुत विकास हुआ है। अच्छा। क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है सो बताइए आप, आपको हम बताते हैं। लगातार लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं विकास हुआ, रोड नाला जो होता है ये सब चीज़ विकास सांसद महोदय का द्वारा। अभी आप रोड पर दिखाइए, अभी आप रोड पर दिखाइए कैसा रोड है, सांसद महोदय का दौरा हुआ है सांसद के लिए। हाँ सांसद के है, बीजेपी सरकार के हम लोग सपोर्टर हैं भाई, दूसरे को नहीं जानते। क्या लगता है बीजेपी सरकार इस बार 400 पार करेगा? एकदम 400 पार करेगा, एकदम हर हाल में करेगा। तो इस बार टक्कर रहा है कि नहीं, मुन्ना शुक्ला एक तरफ है आरजेडी? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है। देख सकते हैं लगातार और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? रामदरा सहनी। अच्छा एक बात बताइए सहनी जी, क्या लग रहा है इस बार जो है आरजेडी से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है, वही दूसरी तरफ बीना देवी जी को दिया गया, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कितना क्षेत्र में विकास हुआ आपका? विकास हमारे क्षेत्र में बीजेपी से कुछ नहीं हुआ। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनाव भी नजदीक है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? देखिए अब आरजेडी के आना ही चाहिए, आरजेडी को आना चाहिए। और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अभी हम मीनापुर क्षेत्र में है, यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुदेश प्रसाद। अच्छा प्रसाद जी बताइए, क्या विकास हुआ आपको वैशाली सांसद महोदय के द्वारा? विकास तो बहुत हुआ है बीजेपी से, बहुत विकास में है। हाँ अच्छा बीना जी कभी आए आप लोग दुख सुख में भेंट करते हैं कि ना? भेंट उठ हाँ आते हैं, मिलते हैं, बात विचार हो रहा है। इस बार क्या लग रहा है, मुन्ना शुक्ला टक्कर में रहेंगे कि नहीं? बीजेपी रहेंगे, बीजेपी लिख लेंगे, बीजेपी के कोई नहीं टाल पाएगा। हाँ बीजेपी की सरकार है, इनकी बिहार में बनेगा तो बनेगा। ललटेन का है, ललटेन महागठबंधन, ललटेन जाएगा गड्ढे में, गड्ढे में। हाँ लगातार जो है लगातार कैंपेन हो रहा है, ललटेन बुता जाएगा उनको, बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। बीजेपी ही के सरकार मतलब आने जा रहा है ये बिहार में, आएगा उनको सरकार। चलिए यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्याम नंदन शाह। अच्छा बताइए शाह जी, क्या कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र का वैशाली सांसद के? हमारे विकास तो अच्छा हुआ है। आज से पूर्व में 15 साल पहले रघुवंश बाबू थे, जो हम लोग का
मुजफ्फरपुर जाने के लिए 2.5 घंटा 3 घंटा समय लगता था। कभी बस पर से उधर झूल जाते थे, कभी बस पर से इधर झूल जाते थे। आज तो मुजफ्फरपुर जाने के लिए 20 मिनट में पहुँच रहे हैं, 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव भी हम लोग का ऊपर मोदी जी चाहिए, दूसरा विपक्षी में कोई नेते नहीं है कि वो बैठेगा जा करके। तो कैसे बोल रहे हैं इतना बड़ा नहीं, कोई नहीं है उनको टक्कर में, कोई है ये नहीं कि विपक्ष में जाके बैठेगा। अच्छा। है इंडिया एयरलाइंस इतना बड़ा इंडिया एयरलाइंस लगातार कितना हम लोग का जो है ना, कितना कांग्रेस 70 साल जो राज किया, कितना हम लोग का पीछे लेकर चला गया हुआ है कि रोड पर लाने में उनको 25 साल मोदी जी लाएंगे ना, तैयो रोड पर लोग आ नहीं पाएगा। ये ऐसा सिस्टम कांग्रेस कर चुका हुआ है, आज कौन चलाने वाला है उसमें राज, बताइए ना। कांग्रेस में कोई नेता है कि प्रधानमंत्री योग्यता लायक है कोई? तब कौन उसका सरकार बनता है, गठबंधन के सरकार बनता है, 2 महीना में इधर जाता है, 2 महीना में उधर जाता है, 3 महीना में उधर जाता है। तो इस बार क्या रहेगा वैशाली में? एक तरफ मुन्ना शुक्ला है, एक तरफ कहीं कहीं कोई टक्करे नहीं है, पूरे भारत के अंदर कोई टक्कर नहीं है। हम लोग टीवी पत्रिका रात दिन देख रहे हैं, कहने से थोड़ी होगा, देख रहे हैं कहीं भारत में कहीं कोई टक्कर नहीं है। सीधे बस मोदी जी है, एमडी 560 में है ना, 450 लाएगा, 400 पार के हाँ 400 पार करके लाएगा। और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अलग अलग इन लोगों का प्रतिक्रिया है, कोई किसी के द्वारा बोला जा रहा है कि मोदी जी के द्वारा विकास हुआ है, किन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं विकास हुआ है। और देखने वाली बात होगी वैशाली लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, ऐसे में हम मीनापुर से अभी आपको ग्राउंड रिपोर्ट से अभी आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर लगातार लोगों में जो है काफ़ी नाराजगी स्थानीय पहले के जो यहाँ के सांसद थे उसके प्रति दिख रहा था। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाशन लाइव पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।